किसी से प्रेम करिए, किसी की सेवा करिए, किसी से दिल लगाइए, किसी को दिल दीजिए, लेकिन जानबूझकर या अनजाने में भी किसी व्यक्ति के हृदय को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हृदय में आघात होता है तो उसका स्वास्थ्य यहाँ तक कि उसका जीवन भी उसका साथ छोड़ देता है। दुनिया में व्यक्ति सब कुछ सहता है, लेकिन अंदर अंदर उसका हृदय बहुत ही कमजोर होता चला जाता है। हृदय से ज्यादा कमजोर शायद ही कोई अंग होता है मानव शरीर में, लेकिन सबसे ज्यादा काम भी हृदय को ही करना पड़ता है। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हृदय को आघात पहुंचता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एरोगी तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन आप तो समझ ही चुके होंगे कि मैं किस डे इवेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हर्ट डे, यानी कि आज का दिवस आपके लिए हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिवस है जिसके बारे में शायद अगर हम ना जाने तो बहुत कुछ ऐसा रह जाएगा मेडिकल के क्षेत्र में जिससे हम अनछुए रह जाएंगे। हृदय रोग क्यों होता है, हृदय रोग से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक के क्या क्या कारण हो जाते हैं, किन कारणों से हार्ट अटैक हमारे जीवन में होता है, हम हार्ट अटैक से बचने के लिए किस तरीके की दिनचर्या का पालन करें, हार्ट अटैक हमें ना हो, हमारे परिजनों को ना हो, इसके लिए हमें कितना जागरूक रहने की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत कुछ आपको आज के दिन इस वीडियो में मिलेगा। शायद आपको पता हो कि लीवर खराब होता है तो आपको कुछ समय देता है ट्रीटमेंट के लिए, किडनी भी खराब होती है तो डायलिसिस के लिए आपको कुछ समय मिलता है, अगर आपको कैंसर हो गया तब भी मेडिकल के क्षेत्र में आपको समय मिल जाता है अपने आप को सही करने का। लेकिन यदि एक बार हृदय को कुछ हुआ, यानी कि आपके दिल को, आपके हार्ट को यदि किसी भी तरीके का आघात हुआ या किसी भी तरीके की परेशानी हुई, तो बहुत कम ऐसा होता है कि समय पर आपको इलाज मिल जाए। इसलिए हृदय का जीवन में बहुत विशेष महत्व है और मेडिकल के क्षेत्र में इसको बहुत ही सेंसिटिव कहा जाता है। हृदय आघात की वजह से, यानी हार्ट अटैक की वजह से न जाने कितने लोगों की विश्व में मृत्यु हो जाती है, और इसी मृत्यु के घटनाओं को कम करने के लिए आज का दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे बहुत कुछ है खास, जानिए क्यों होता है हार्ट अटैक, कैसे बच सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे सुधार सकते हैं, बहुत कुछ है इस वीडियो में। इसके लिए आप जीडीएफ लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आज के दिवस के महत्व को समझें और अपने परिजनों का ख्याल रख पाए। किसी का दिल लेना नहीं है आसान, इसका मेडिकल में महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ, कैसे हुआ, भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण कब और कैसे हुआ, किस डॉक्टर की टीम ने ये सक्सेसफुल हृदय प्रत्यारोपण किया, इसकी एक लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि वो हमारे मेडिकल के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 2000 से, यानी कि सन 2000 से ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। पहले हृदय दिवस सितंबर के आखिरी संडे यानी कि अंतिम रविवार को मनाया जाता था, लेकिन अब ये दिवस विश्व स्तर पर 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस को सेलिब्रेट करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम सभी लोग अपने बीमारी, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने परिवेश के बारे में जागरूक रहें। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम बीमारी की तरफ अग्रसर हों। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1997 से 1999 तक वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष एंटोनी बीएस डी लूना ने इस पर विचार किया था। 24 सितंबर 2000 के दिन पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। उस समय ये दिन सितंबर के आखिरी रविवार के दिन मनाया जाता था। शोध में ये पाया जाता है कि कम उम्र के लोग भी हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इस दिन का मुख्य मकसद लोगों को हार्ट अटैक के प्रति या हार्ट से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक करना है कि आप अपने दिल को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं अपने लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या को बदलकर। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी हम लोगों को होती क्यों है। वैसे तो ये विश्व स्तर पर फैली हुई बीमारी है, लेकिन भारत की बात करें तो लोग अक्सर अपने लाइफस्टाइल के कारण ही हार्ट अटैक के मरीज बनते हैं।
उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए जिससे हार्ट फेल होने का खतरा कम हो जाए। हार्ट फेल से बचने के लिए डाइट का सख्ती से पालन करना जरूरी होता है। चीनी और मिठाई वाले कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, उनका सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। भारतीयों द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले नमक की मात्रा सामान्य से 3 गुना यानी 15 ग्राम है, जबकि नमक का सेवन 5 ग्राम से ज्यादा नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग और शराब तो हमारे भारत में युवाओं का हर फंक्शन में ट्रेंड सा बन गया है। वो स्मोकिंग करना यानी कि शराब, सिगरेट, दारू, गुटखा, पान, पुड़िया, मसाला खाना एक फैशन समझते हैं, जबकि इसका हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं हार्ट फ्लोरेंस की स्थिति कैसी होती है, किस स्थिति को हार्ट फ्लोरेंस कहा जाता है, इसके अलावा इसके क्या कारण है। आपका हृदय यदि शरीर के अन्य अंगों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त पहुंचाने का कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा तो इस स्थिति को हार्ट की पंप करने की गति में व्यवधान माना जाता है, यानी कि हार्ट अटैक या हार्ट काम ना करने की स्थिति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हार्ट फेल्योरेंस की स्थिति तब भी बनती है जब किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बहुत अधिक सख्त हो जाती है। इस दौरान उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, फिर भले ही हार्ट का पंप ठीक तरीके से काम क्यों ना कर रहा हो। इस स्थिति में हार्ट के दाईं या बाईं तरफ इसका असर दिखता है या फिर दोनों तरफ एक साथ इसका प्रभाव पड़ सकता है। जब तेजी के साथ हार्ट के दोनों तरफ एक साथ समस्या होती है तो इसके लक्षण अचानक से दिखाई देते हैं और आमतौर पर जल्दी दिखने भी बंद हो जाते हैं। हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें से दिल की धड़कनों का अचानक बढ़ जाना, गर्दन के नसों में उभार आना, पेट में सूजन आना, सांस लेने में समस्या होने लगना, भूख ना लगना, बहुत अधिक थकान होना, पैरों में सूजन की समस्या होना, पल्स रेट का अनियमित बने रहना, इसके अलावा वजन का अचानक से बढ़ना, सभी लक्षण हार्ट अटैक के समय दिखाई देते हैं। लेकिन इसके फेल्योरेंस होने के कारण जो होते हैं वो और भी खतरनाक होते हैं। यदि हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह की रुकावट पैदा हो जाती है तो हार्ट तक रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इस कारण हृदय रक्त को ठीक से पंप नहीं कर पाता और हार्ट फ्लोर हो जाता है। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जिससे शरीर में रक्त की सप्लाई के लिए सामान्य लोगों के हार्ट की तुलना में अधिक काम करना पड़ता है। जब स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं। बढ़ी हुई मोटाई के कारण इनकी कार्यक्षमता अधिक प्रभावित होती है और ये सख्त और कमजोर होने लगती हैं। इस कारण ये पंप करने के काम को ठीक से नहीं कर पाती और यही स्थिति हार्ट फेल्योरेंस की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा मायोकार्डिटिस की स्थिति, जब वायरस के कारण हार्ट हृदय में सूजन पैदा हो जाती है, इस सूजन के कारण हृदय को पंप करने में दिक्कत होती है और रक्त का संचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। जिनके हृदय में जन्म से ही वाल्व होता है उन्हें भी हार्ट अटैक की समस्या से जूझना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक से हम बच कैसे सकते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर रखना चाहिए। हमें अनावश्यक तैलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बाहर की खाद्य पदार्थ की सामग्री का इस्तेमाल कम से कम या ना के बराबर करना चाहिए, योगा और व्यायाम जरूर करना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि हार्ट अटैक जैसी समस्या ठंड में ज्यादा होती है, ऐसे में जिनका उम्र 50 से ज्यादा है वो सुबह के समय वॉकिंग के लिए ना जाएं, क्योंकि सुबह के समय ठंड अधिक रहती है और ऐसे में शरीर का तापमान बहुत कम होता है। ठंड में रक्त भी गाढ़ा रहता है जिसकी वजह से धमनियों में सही तरीके से रक्त प्रवाह नहीं होता और ये समस्या देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट करते रहें जिससे वो बढ़े ना और आपको हृदय आघात जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं आपको हृदय दिवस की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।